अस्सलामुअलैकुम सामीन, आज हम आपके लिए जो बीमारी लेकर आ रहे हैं वो है बहुत ही तकलीफ़दह बीमारी है, जो ख़ारिश खुजली, ये चीज़ इतनी तकलीफ़दह बीमारी है ये कि हर बंदे को हो जाती है और एक दूसरे से लग भी जाती है। अगर एक घर में एक बंदे को होती है तो वो सब को लग भी सकती है और उसके जरासीम उड़ते हैं। ये ज़्यादातर बीमारी जो है, इस बीमारी की दो किस्म हैं, एक तर एक खुश्क। ये बीमारी जो है वो मुतादी बीमारी है और ये ज़्यादातर गर्मी के शुरू में और सर्दी के शुरू में होती है और ये मौसम की तब्दीली के बाद शुरू होती है। इसके असबाब जो हैं ज़्यादातर मीठा खाने से होते हैं और ज़्यादातर मीठा और तुर्श मिला हुआ जो खाते हैं उनके लिए ज़्यादा बीमारी होती है। गुड़ खाने से होता है, हाजमे की ख़राबी से होती है, गंदगी में रहने या मैले कुचैले कपड़े पहनने से और ज़्यादा दिन के बाद नहाने से, और इसके अलावा औरतों में आयाम की ख़राबी की वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। इसकी अलामत ये होती हैं कि अगर तर खारिश है तो छोटे छोटे से दाने निकलते हैं और उसको खुजाने से उसमें से पीप या पानी निकलता है, जो दूसरी जगह लगता है तो वो दूसरी जगह भी वैसे ही दाने निकल आते हैं। और खुश्क खांसी ये होती है, खुश्क खारिश ये होती है कि वो बीमारी फुलियाँ सी निकलती हैं, खुंसियाँ सी छोटी छोटी बड़ी बड़ी, और फिर उसके जो है पत्ते से उतरते हैं और जब वो पीप निकलती है तो फिर वो सब जब फैलती हैं तो पूरी जिल्द पे फैलती है। ये ज़्यादातर पूरे जिस्म पे भी होती हैं और ख़ास तौर पे पिंडलियों पे सबसे ज़्यादा होती है, ख़ारिश भी सबसे ज़्यादा पिंडलियों पर होती है। इसके जो इलाज है वो बहुत ही आसान है। इसका इलाज सबसे पहले तो सफाई का ख्याल रखना, सबसे पहले सफाई का ख्याल रखें, एक तौलिया, बिस्तर और अपना कंघा ये सब पहले से अलहदा कर लें, और इसके अलावा नहाना रोज़ाना शुरू करें। हम जब डॉक्टर के पास हमारे पास आते हैं हम सबसे पहले ये इसको हिदायत देते हैं, उसके बाद हम अपना इलाज शुरू करते हैं ट्यूबरकोनियम से। ट्यूबरकोनियम हम 200 पावर में देते हैं, फिर 24 घंटे के बाद हम सल्फर देते हैं 200 पावर में। 200 पावर में अगर वो मुज़मिन होती है तो फिर हम सल्फर हैस या आर्सेनिक देते हैं, मगर अगर वो मुज़मिन नहीं है बल्कि हाद है तो फिर हम जो है उसको सल्फर बड़ी पावर में देते हैं। इसके बाद हम अगर उसका मैदा ख़राब होता है तो नेक्सवामिका देते हैं, कब्ज़ होता है तो हम उसको लाइकोपोडियम देते हैं, अगर उसमें ज़्यादा जलन होती है तो हम फिर, और या सुर्खी बहुत होती है तो फिर हम बेलाडोना देते हैं उसको। और इसके साथ साथ हम ऐसे भी उसको खाने के लिए बताते हैं कि हल्का और जूद अजम खाना खाएं, ज़्यादा मिर्च मसाले ना खाएं, और वो जब इंशाल्लाह हफ्ते से 15 दिन में एहतियात और दवा के साथ वो मुकम्मल हो जाते, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं मरीज़ और मुकम्मल सेहतियाब हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये एहतियात की बीमारी है, अगर आप एहतियात करेंगे और गंदगी से बचेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी ये बीमारी होगी ही नहीं, और अगर हो जाए तो एहतियात और दवा दोनों से इलाज बेहतरीन हो जाता है। अब हम इजाज़त दीजिए, अब खुदा हाफिज़।